दोस्तों, घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लीजिए, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे उपाय के बारे में जिनके इस्तेमाल से आपकी आंखों की रोशनी लौट आएगी, चश्मा छूट जाएगा और उम्र बढ़ने पर भी आपकी आँखें कभी कमज़ोर नहीं होंगी। नुस्खा बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम बादाम का पाउडर, 100 ग्राम खसखस का पाउडर और 50 ग्राम सफ़ेद मिर्च का पाउडर। बनाने की विधि, सबसे पहले बादाम लें और इनको गर्म पानी में डालकर रात भर रहने दें। अगले दिन बादाम का छिलका उतार दें और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और छाया में सुखाकर पाउडर बना लें। खसखस और सफ़ेद मिर्च को कढ़ाई में हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें। अब इन सब को साथ मिलाएं और थोड़ा गाय का घी मिलाकर पेस्ट बना लें और एक साफ कांच के बर्तन में भरकर रख लें। इस्तेमाल करने की विधि, 5 ग्राम पेस्ट सुबह और शाम 1 गिलास दूध के साथ खाना खाने के 1 घंटा पहले लें। और हाँ, दूध में चीनी की जगह मिश्री का इस्तेमाल करें। यह दवा यदि बच्चों को देनी हो तो इसकी मात्रा आधी कर दें। इस पेस्ट का इस्तेमाल आपको 8 महीनों तक करना होगा, इसके बाद आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत पड़ने पर आप इस उपाय को रिपीट भी कर सकते हैं। घबराइए नहीं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उपाय हमारे और फ़ायदे आप सबके, इसी ख्याल के साथ आप दीजिए इजाज़त। जल्दी ही फिर हाजिर होंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। यदि यह प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करें, ताकि इन उपायों का फ़ायदा उन सबको भी मिल सके।